मध्य प्रदेश की सागर की पुलिस भी बड़ी गजब है। ऐसी पुलिस को प्रणाम करो जो अवैध शराब बेचते हैं, ऐसे शराब ठेकेदारों की रक्षा करने में लगी है। यह हम नहीं बल्कि एक मामला देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुरखी थाना और देवरी के बड़े शराब व्यापारी से जुड़ा है जो 9 महीनों से फरार है। वजह कि वह भाजपा का बड़ा नेता है, इस वजह से पुलिस की मजाल है कि उसे हिरासत में ले ले, गिरफ्तार कर ले। अब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 163 सीटें आ गई है और देवरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पटेलिया जी बन गए हैं। इस लिहाज से अब इस भाजपा नेता को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। भाजपा है तो सब मुमकिन है। यह अशोक साहू साहेब है जिन पर आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था। कई महीने बीत जाने के बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। सुरखी थाने में यह मामला दर्ज हुआ था जहां नीलेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया था इसी मामले में। लेकिन गोलझामन शराब दुकान के संचालक अशोक साहू जिन पर मामला दर्ज हुआ था, जो अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिन पर 70 लीटर शराब पकड़े जाने को लेकर अवैध तरीके से शराब बेचे जाने को लेकर सुरखी थाने में मामला दर्ज हुआ था। लेकिन अभी सिर्फ जांच चल रही है और अब भारतीय जनता पार्टी की भगवान कसम सरकार बन गई तो अब जांच ही चलती रहेगी। या खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, भाजपा विधायक की रैली में शामिल हो रहे हैं, पुलिस देख रही है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। यह बात 16 आने सच है। अब जिन पर आबकारी एक्ट लगा हो वो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़ ले, उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। 16 आने सच है कसम। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।